विशेष सूचना, कल रात शहर के मशहूर उद्योगपति ठाकुर दिग्विजय सिंह की बहन अंजलि सिंह की हत्या कर दी गई। सूचना के अनुसार हत्या करण सिंह नामक युवा ने की है, जो ठाकुर दिग्विजय सिंह के घर मेहमान बनकर आया था और हत्या करने के बाद फरार हो गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने हत्यारे के बारे में खबर देने वाले के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हत्यारे के बारे में किसी किस्म की सूचना मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ये मेरे बापू को दे देना। नौलखा चाचा, हमें शहर से बाहर निकाल दो ताकि हम गांव पहुंच सके। अरे तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कसम गुंगरू के जनकार की, जब तक तुम्हारा ये नौलखा चाचा जिंदा है ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरा होने तक तुम दोनों यहीं ठहरोगे और उसके बाद मैं तुम दोनों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पर खतरे को भी पहुंचने में डर लगेगा। डोंट वरी बी हैप्पी। अगर तेरी ये खबर सही है तो इनाम का हकदार तू ही होगा। जरा आहिस्ता सरकार, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। वो क्या है कि आजकल फूलों का दाम मंडी में बढ़ गया है, आप जैसे अमीर लोगों ने उनका भाव बढ़ा दिया है अपने कोर्ट के छेद में सजा सजा कर। क्या चाहते हो तुम? अरे कुछ नहीं हजूर, इनाम की रकम जरा बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा। 10 लाख तो सौदा लगता है सौदा, 11 कर देंगे तो शकुन लगेगा हजूर। ठीक है, नैना और उस लड़के के मिल जाने के बाद आप उधर पुलिस को हुक्म करो रेड करने को, और इधर पैसा तैयार। कसम कुंगरू के जनकार की, नौलखा दलाल जरूर है लेकिन जवान का पक्का, सौदे में कभी धोखा नहीं करेगा हजूर। इंस्पेक्टर। यस सर। इस वक्त नैना और वो लड़का कमाठीपुरा के दलाल नौलखा के कोठे पर हैं। पुलिस आ पहुंची है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुम कौन हो? गंगा, उसी ठाकुर के जुल्मों की शिकार। लेकिन नौलखा चाचा ने तो हमारी हिफाजत। लगता है नौलखे ने तुम्हें भी बेच दिया। दरवाजा खोलो। इससे पहले कि नैना एक और गंगा बन जाए, भाग जाओ। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ भाग जाओ, भाग जाओ करण। तोड़ दो दरवाजा। नैना भाग जाओ, भाग जाओ। वो छोरा छोरी कहाँ है? बच्चों को छोड़िए दरोगा साहब, हम तो हैं। जरा हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। इनफैक्ट ये नाटक दिखाकर हमको बहलाना चाहती है। हवलदार। यस सर। कोठे का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कि वो दोनों भागने ना पाए। साहब बोलो नीचे ना।
किए कराए में पानी फेर दिया। अरे जब छोकरा छोकरी नहीं पकड़ सकता तो बड़े बड़े मुजरिम कहां से पकड़ेगा। अरे हजूर माई बाप, हफ्ता लेते लेते इसके हाथ मुलायम हो गए हैं, पकड़ में दम नहीं रहा। थाली में परोस कर लाया था मैं माई बाप। अरे तेरे को कीड़े पड़ेंगे कीड़े हरामखोर। अरे मेरा कसूर क्या है? अरे 50% दे दो, अरे 20 दे दो। अरे बड़ू है, मैं तुझे बदुआ देता हूँ, तुझे एड्स हो जाए, मेरा 11 लाख का नुकसान किया है। अरे तुझे कीड़े पड़े आरामी। एक मौका और दीजिए सिंह साहब, सिर्फ एक मौका। इस बार वो दोनों बच नहीं पाएंगे। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा सरकार। अगर नैना वो लड़का हमें जल्द नहीं मिले तो हम पागल हो जाएंगे और ये शहर राख। क्या बात है मुनीम जी? अरे गई भैंस पानी में, शहर से तार आया है, तुम्हारे लौंडे ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ऐसा क्या कर दिया करने ने? अरे अपना करना हुकुम की अमानत उस लौंडिया को लेकर भाग गया है। हुकुम ने तुम्हें जल्दी शहर बुलाया है, अभी के अभी। करने की माँ, मेरा सामान बांध जल्दी, मुझे शहर जाना है। शहर जाना है? काहे अचानक शहर जाना है? सब कुशल मंगल तो है ना? क्यों लाला जी, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे करने को? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है, तू मेरा सामान बांध। अब कुछ बताओ भी क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा मेरे करने को। काम हो जाएगा। माँ, पानी, पानी। करण, करण, तुझे प्यास लगी है? करण, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। Ah!
तू है बलवंत? सामने आ। हाँ इधर आ, बैठ बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा बलवंत, बैठ जा। देख रहा है, देख रहा है ना बलवंत, देख क्या हाल हो गया तेरे हुकुम का। तेरे बेटे ने बरसों के नमक को पानी कर दिया रे, हमारी बहन को उसने मार डाला, हम पर उसने गोली चलाई। बलवंत नैना को लेकर भाग गया है वो। बलवंत चार दिन से तेरा हुक्म सोया नहीं, देख देख हमारी आंखें देख, होश भी नहीं बचा बलवंत। देख तेरा हुक्म होश में लगता है, होश में लगता है तेरा हुक्म बलवंत। तू तो जानता है कि एक बार कोई चीज तेरे हुक्म की निगाहों पे चढ़ गई तो उस पर किसी दूसरे का नजर डालना भी नमक हरामी है, उसका ख्याल करना भी बगावत है, और उसकी सजा जानता हूं। मौत है उसकी सजा, जा उसे लेकर आ। तेरा खून है ना, तू बुलाएगा तो जरूर आएगा। ये शहर नरक है नैना, नरक। ये शहर हमें खा जाएगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और हम गांव लौट गए होते तो अच्छा होता। कम से कम हमें ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। नैना, क्या कर रही थी तुम, पागल हो गई हो? मर जाने थे मुझे, मर जाने। सास जीने की कसम खाई थी और अकेले मरने का फैसला कर लिया तुमने। मत कर इतना प्यार मुझसे, मत कर। मेरी मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन गई है। अगर तुझे कुछ हो गया ना कर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। जिसके पास मोहब्बत है उसे ना जान का डर है ना जान का। करने देखने ना मेरा बापू, बापू करने मेरे बच्चे बहुत सताया है शहर वालों ने, हमको बहुत सताया बापू। हमने इनसे कहा हमको गांव वापस अपने बापू और अपनी मां के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। बहुत मारा हमको, पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाया। देखो ना क्या हालत हो गई है आपके बेटे की। हमको गांव वापस ले चलो, हमको मां की बहुत याद आती है।
अब हम वापस शहर आने की जिद नहीं करेंगे बापू। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, मेरे करने सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नैना, नैना सब ठीक हो जाएगा, देख बापू आ गया है। अबे सालो बाहर निकलो, हमारा बापू आ गया है, अब बाहर निकलो आराम से। दो बापू आ गया है, हमारा बापू आ गया है। अगर एक बाप की औलाद हो तो बाहर निकलो और दिखाओ अपनी ताकत। क्या समझते थे कि हम आराम से, अभी अभी हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, जोर दो करने, संभाल अपने आप को, अपने आप को संभाल करने, करने करने बाबू रख अपने पे, हौसला रख करने बाबू, करने बेटे, मोहब्बत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, जान ले लेती है ससुरी। करने, नैना हुक्म की अमानत है। ये तो क्या कह रहा है बापू, अपनी होने वाली बहू को गाली मत दे, मैं नैना के बगैर नहीं जी सकूं। हमने हुक्म का नमक खाया है, हुक्म की वफादारी हमारे खून में है। तो हुक्म के साथ वफादारी निभाने के लिए तू अपने खून के साथ नाइंसाफी करने को तैयार है बापू? दीवाना हो गया है तू, होश में नहीं है। इस लड़की पर नजर डालना भी पाप है। तू मेरे साथ चल और नैना को हुक्म के हवाले कर दे, मैं हुक्म से तेरे लिए माफी मांगूंगा। बापू मेरे लिए कुछ मांगना है ना, तो भगवान से नैना मांग, उस हुक्म जैसे कुत्ते से क्या मांगता है। ना करने, ना। मैं बेटे की शक्ल में हुक्म का एक बदनसीब दुश्मन देख रहा हूं, और मैं अपने बाप की शक्ल में हुक्म का एक बेरहम जल्लाद देख रहा हूं। यहां वहां क्या मारता है, यहां मार, यहां सारा कसूर तो इस ससुरे दिल का है। दाग दे गोली और फिर लाश बनाकर फेंक देना अपने हुक्म के सामने। ना जी ना, ना जी ना बाबूजी, मेरी खातिर बाप बेटे दुश्मन बन जाए तो मैं जी के क्या करूंगी। ले चलिए मुझे बाबूजी, ले चलिए हुकुम के पास, मगर करण को माफ कर दीजिए बाबूजी। चल तू मेरे साथ। बापू अपनी बहू का हाथ छोड़ दे, नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़। अब क्या बोलता है बापू, देखता क्या है, मार डाल मुझे। अगर अपनी और नैना की जिंदगी चाहता है तो मार डाल मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा। तेरे मेरे बीच में मां का सुहाग नहीं होता ना, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जिंदगी दी है ना, आज मैं तुझे जिंदगी देता हूं। हमारा हिसाब बराबर हो गया बापू, बराबर हो गया। करने, करने, रुक जा करने, 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 करने। काकी क्या हुआ? मेरा कर ढूंढो, पता नहीं मुझे बहुत बुरा सपना आया है। ये बाप बेटा तो मुझे पागल करके रहेंगे। मुझे शहर ले चल, मुझे शहर ले चल ढूंढो, मुझे शहर ले जा बेटा। ले चलूंगा काकी,
तू फिक्र मत कर। राम जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना।